हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस SN1 मैकेनिज्म। कल हमने SN2 मैकेनिज्म को डिस्कस कर लिया था, आज हम SN1 मैकेनिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, जो SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, रिमूवल ऑफ हेलोजन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। क्या है कि जो हेलो एल्केन आपने लिया है उसमें से क्या होगा, ये जो हेलो एल्केन में से जो हेलोजन है वो सबसे पहले रिमूव होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, रिमूवल ऑफ हेलोजन टू फॉर्म ए कार्बोकेटाइन, मतलब एक कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले। और ये कैसा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री है इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दिस इज कार्बोकेटाइन। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी इसकी, ये आपको पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, Br नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, दिस इज अ स्लो स्टेप, और इसी को ही हम बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है दैट विल बी अटैकिंग ऑन द कार्बोकेटाइन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। सो दिस वॉज अ कार्बोकेटाइन फॉर्म, और OH अपने पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंड स्टेप जो है वो फास्ट है, इसके अंदर क्या होगा कि OH जुड़ जाएगा इस कार्बन के चेन के साथ, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो जो मॉलिक्यूलरिटी है फर्स्ट स्टेप की वो तो वन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही रिएजेंट था जो पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द सेकेंड स्टेप, दैट इज टू। वाई, बिकॉज हेयर देयर आर टू स्पीशीज विच आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। सो वट वी विल से दैट रिएक्शन इज कम्प्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप, दो स्टेप के रिएक्शन है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप स्लो था इसलिए हम उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे वेरियस हेलो एल्केन का, दैट इज मिथाइल हैलाइड से ज़्यादा 1 डिग्री हैलाइड, देन 2 डिग्री हैलाइड, देन 3 डिग्री हैलाइड। रीजन इज क्योंकि यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बो केटायन की फॉर्मेशन होगी, और जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, 3 डिग्री के अंदर यहाँ पे देखिए मिथाइल ग्रुप जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये जो मिथाइल ग्रुप क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है ऑल द टाइम, मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल। एंड ड्यू टू दैट स्टेबिलिटी यहाँ पे 3 डिग्री की जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वट इज़ द रीज़न, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अगर जनरल हम बात करें जनरल रिएक्शन की तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी हेलो एल्केन है दैट इज रिएक्टिंग विद द पर्टिकुलर कंपाउंड, लाइक दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, इस हेलोजन के साथ, ठीक है, देखिए EX, एंड दिस न्यूक्लियोफाइल विल गो टू द हाइड्रोकार्बन चेन। सो दिस इज द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया है हेलो एल्केन, कोई भी सिल्वर ब्रोमाइड के सिल्वर साइनाइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आइसोसाइनाइड। देखिए जो ये जो CN होता है ये बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, बाइडेंटेट न्यूक्लियोफाइल मीन्स एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर है, एक तो कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे। सो अगर नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड, और ये फाउल स्मेलिंग से होता है, तो एज अ टेस्ट भी आप इसको यूज करते हो। सो आफ्टर डूइंग द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, वी नीड टू फोकस फर्दर ऑन द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आइसोमर्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम रहता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाएगा। वाई, बिकॉज जो उनकी रोटेशन होती है ना लाइट की, दे रोटेट द लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, मीन्स दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। सो इसके बेसिस पर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स आती हैं, वन इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड द लिवो रोटेटरी विच इज रोटेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड है इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं और इसको नेगेटिव साइड से। अब लिवो रोटेशन और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दो अगर कंपाउंड होंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, दे आर द इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। सो कंपाउंड्स विच शो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। अगर कोई भी कंपाउंड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो कर रहा है, मीन्स लाइट की रोटेशन करवा पा रहे हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव है, लाइट की टूवर्ड्स क्या है, एक्टिव है वो कंपाउंड। दैट इज दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसका मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है उसको ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर कोई कंपाउंड्स
क्या है, अगर लाइट को रोटेट नहीं करे तो हम उनको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। सो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको आप पढ़ना आगे अच्छे से। अब कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते उसको हमें देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात आएगी काइरल कार्बन एटम की, सो लेट अस डिस्कस दैट फर्स्ट। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द काइरल कार्बन एटम। ये वो कार्बन एटम होता है दैट इज हैविंग ऑल द फोर सब्सिट्यूएंट ग्रुप, मींस हैविंग ऑल द फोर डिफरेंट, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंट सब्सिट्यूएंट ग्रुप, मतलब कि जो कार्बन के साथ में जो फंक्शनल ग्रुप या जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनका जो नेचर है वो सारे क्या डिफरेंट है, उसको बोलेंगे काइरल। जैसे यहाँ पे लिखा है W X Y Z, सो इसका मतलब इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स फॉर्मेशन है, इसलिए ये कार्बन कैसा हो जाएगा, काइरल कार्बन एटम। अगर आप बात करो इस टाइप से, जैसे यहाँ H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H, दिस इज OH एंड इट इज हैविंग मिथाइल ग्रुप, तो इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। Why? Because क्योंकि यहाँ पे एच और एच सेम है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए इसको काइरल बनना पड़ेगा, एंड काइरल बनने के लिए लाइक यहाँ पे C2H5, अब ये काइरल कार्बन एटम कहलाएगा क्योंकि इसके चारों फंक्शनल ग्रुप, चारों बॉन्ड्स डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो काइरल कार्बन एटम को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं, और इसको स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। सो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव That have one or more chiral carbon atom. उसी को हम optically active बोलेंगे जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा chiral carbon atom है। Next, optically active molecules form non-superimposable mirror images. Very, very IMP. मतलब क्या कि अगर कोई भी compound optically active होगा तो उसकी non-superimposable mirror images बनेगी। मतलब ऐसी mirror image बनेगी जिसको हम superimpose नहीं कर सकते, वो different होगी। And are optically active molecules in the optical isomers of its mirror image. मतलब उनकी mirror image is different बनने वाली है. This is a very special feature. Next we will be discussing racemization or racemic mixture. देखिए SN2 reaction के अंदर ऐसा believe किया जाता है कि जो भी nucleophile attack कर रहा होता है किसी भी halo alkane के अंदर, तो वो rear side से ज़्यादा attach होता है किसी भी hydrocarbon की chain पर. तो ये जब भी nucleophile rear side से आएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मींस कि ये जो पूरी शेप है ना उसका इन्वर्जन हो जाएगा, इस शेप में जो बॉन्ड्स लिंक्ड है उसकी चेंजेस आ जाए। जैसे ये बॉन्ड पहले कहाँ थे, लेफ्ट साइड थे, अब इनके बॉन्ड्स राइट साइड आ गए बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। बट इन SN1 में क्या होता है कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हुआ है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, प्लेनर ज्योमेट्री होती है, ड्यू टू विच इसकी वजह से उसके पास 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है ईदर ऑफ द फ्रंटल अटैक और द रियर साइड अटैक। क्योंकि देखिए कार्बोकेटन अगर ऐसे बन गया, मान लो इस तरीके से अपने पास एक शेप है, ठीक है, दिस इज कार्बोकेटन, अब कहीं से भी न्यूक्लियोफाइल ईदर कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस रियर साइड, सो देयर इज 50-50 प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द एक्शंस। सो अगर इफ इन्वर्जन ऑफ, अगर मान लो रियर साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है टू द हेलो एल्केन, सो देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एंड इफ देयर इज फ्रंटल अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल सो देयर इज रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जो स्ट्रक्चर पहले थी वही बाद में रहने वाली है। एंड 50-50 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से रोटेट द लाइट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो क्या होगा, अगर मान लो एक पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा नेगेटिव की डायरेक्शन में, और ऑप्टिकली कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर जो होता है उसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। सो इसको भी चेक करते हैं, द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट्स कॉल्ड द रेसमिक मिक्सचर और रेसमिक मॉडिफिकेशन, और इसी को ही हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। लाइक यहाँ पे 2-bromobutane था, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सबसे पहले क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, एंड इफ द OH इज अटैकिंग फ्रॉम द फ्रंटल अटैक सो देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और ये 50% है, एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द रियर साइड सो मीन्स देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज ऑल्सो 50%, एंड बोथ द प्रोडक्ट्स will rotate the light in the opposite direction means the product is optically inactive. So we will write that product is optically inactive. Students, in the next lecture we will be discussing the beta elimination reaction of halo alkane. Thank you for watching. If you think that these videos are helping you, so please share with your friends, and thank you for watching.